स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में विश्व भूगोल का पार्ट टू देखेंगे, जिसमें हम विश्व की प्राकृतिक वनस्पति और विश्व की घास भूमियाँ, इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपने विश्व भूगोल का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर वन, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील में। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत आयतवर्तीय वन पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगो घाटी में। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेजन वर्षा वन। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लियाना। विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल्वास नाम से। विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विषुवतीय वनों में। विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की ओढ़ होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पतझड़ वन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साइबेरिया में। स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टैगा वनों में। निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय वन को। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरोफाइट। मलेरिया की दवा कुनेन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनकोना से। भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोरियर। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान, नेचुरल जू कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाना वन को। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विषुवतीय वन में। ओक, बीच, बर्च, पालनट, एल्ब आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों में। मोंटाना वन पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकुधारी वन को।
शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस में। निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विषुवतीय वर्षा वन का। विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर अमेरिका में। अमेजन नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्द वन को कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल्वास। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समशीतोष्ण कोणधारी वनों का विस्तार। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टैगा नाम से। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण क्षेत्र में। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शीशम से। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरी। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डाउन्स। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेल्ड। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रियरी। सवाना घास भूमियां पाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। पैडंग है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका देश में। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लानोज। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंपोस नाम से। निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? एक कंपोस, दो पंपास, तीन सवाना, चार स्टेपी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक एवं तीन, यानी कंपोस और सवाना। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लानोज। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेल्ड। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य अक्षांशीय घास भूमि श्रेणी में। विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.2% भाग पर। किस क्षेत्र के चारगाह को वेल्ड कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के। लानोज कहाँ के घास स्थल है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुयाना उच्च भूमि के। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। तो विश्व भूगोल का सेकंड पार्ट यही खत्म होता है। विश्व भूगोल के आने वाले सभी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।